नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए आज की खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। हाल ही में पीलीभीत जिले में भारी बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचे का गंभीर नुकसान हुआ है। खासकर क्षेत्रीय ट्रेन संचालन के लिए महत्वपूर्ण नवनिर्मित रेलवे पुल को गजरौला बरखेड़ा मार्ग पर पुल बाढ़ के पानी के दबाव में ढह गया है, जिससे जिला मुख्यालय और स्थानीय गांवों के बीच संपर्क टूट चुका है। अधिकारी क्षति का आकलन कर रहे हैं और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए मरम्मत की योजना बना रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बाढ़ की चुनौतियों के बीच राहत प्रयास आगे कैसे बढ़ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन करके विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश अभियान की सफलता के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक साक्षात्कार में उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना ने राज्य में 20 जुलाई को अभियान शुरू करने का योजना का खुलासा किया है, जिसका लक्ष्य 35 करोड़ पेड़ लगाना है। सरकार के वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम की शुरुआत की थी अभियान की, यूपी में अभी तक वो अभियान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा? क्योंकि यूपी में हर साल अधिक से अधिक पौधे लगाए जाते, इस बार कितना लक्ष्य है और एक पेड़ माँ के नाम का अभियान कहाँ तक पहुँचा? आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने जो आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम, हम लोग बहुत शीघ्र ही उसे 20 तारीख से यहाँ पर अभियान पूरी तरीके से शुरू होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हमको पेड़ लगाना है पेड़ बचाना है। 20 जुलाई से कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू होगा। इस वर्ष 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है और हमें उम्मीद है हम पेड़ लगाएंगे भी पेड़ बचाएंगे भी, क्योंकि इस बार पेड़ की सुरक्षा पर और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से आई थिंक ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने को मिल रहा है, आम जनता क्योंकि पेड़ों को लेकर कोई जागरूक नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जागरूकता अभियान भी चलाया जाए जिससे लोग घरों में हर घर में अपने बाहर एक पेड़ लगाएं? देखिए, ऐसा है, हर घर में हम भी चाहते हैं लगाएं, जिनके घर में जगह है वो ज़रूर लगाएं। घर के बाहर अगर लगाएंगे बिना सुरक्षा के बिना ट्री गार्ड के तो गाय खा जाएगी बकरी चढ़ जाएगी, तो हम इस बार खास जोर दे रहे हैं पेड़ वहीं लगाओ जहां पेड़ सुरक्षित रह सके। आप किसी पार्क में लगाइए किसी और जगह पर लगाइए जहाँ पर कि ट्री गार्ड हो या पार्क की बाउंड्री हो, स्कूल कॉलेज में लगाइए, अन्य जहाँ भी समझें वहीं लगाइए जहाँ पेड़ सुरक्षित रह सके और पेड़ के पानी का इंतजाम हो। कितना फ़ायदा मिलता है अगर हरियाली बढ़ती है तो क्लाइमेट में कितना चेंज आता है, इससे कितना फ़ायदा मिलता है, ऑक्सीजन क्या रहता है लोगों को? देखिए, क्लाइमेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत बढ़ गई, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। जो टेम्परेचर लखनऊ का पहले कभी 37-38 डिग्री रहता था अब 47-48 तक पहुंच गया, तो मैं कहूँगा हर जगह का टेम्परेचर यही है। आज दिल्ली का टेम्परेचर 50-52 डिग्री तक एक दिन तो रिकॉर्ड किया गया, तो मैं कहूँगा टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर जगह कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया वालों ज़रा सोचो कैसी दुनिया अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, जितने ही ग्लोबल वार्मिंग होगी उतना ही नुकसान होगा। तो मैं यही कहूँगा हमको ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए पेड़ लगाना और पेड़ बचाना बहुत ज़रूरी है और इस बार तो मोदी जी ने नारा दिया है एक पेड़ माँ के नाम। आखिरी सवाल मेरा ये है, प्रदेशवासियों से आप क्या अपील करेंगे एक पेड़ माँ अभियान को लेकर? मैं अपने सभी प्रदेशवासियों से, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, युवक हो, युवती हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी से कहूँगा 20 तारीख को एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं।
ठीक है, आप डॉक्टर अरुण सक्सेना जी हैं, वन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने साफ कहा कि 20 जुलाई को जो अभियान एक पेड़ माँ का अभियान शुरुआत होगी, हर घर में पेड़ लगाएं ताकि जो बढ़ता हुआ जो तापमान है उससे निजात, यही एक विकल्प है कि हरियाली बढ़े और हर घर में पेड़ लगाए, यही एक ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र विकल्प है। वीडियो जर्नी अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बड़े चुनावी झटके के बाद बीजेपी ने रणनीति सत्र तेज कर दिया है। लखनऊ में एक बैठक के बाद पार्टी ने एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जहां भाजपा नेता दलित घरों का दौरा करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में भाजपा विधायक डॉक्टर लालजी निर्मल ने इस पहल पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष ने जनता को गुमराह किया है और किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए पार्टी की योजना को स्पष्ट किया। विपक्ष की हालिया सफलता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर निर्मल ने इसे एक आकस्मिक जीत बताया और विश्वास जताया कि 2027 के चुनावों में भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करेगी। भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात। सर, जिस तरह से 2024 का जो रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है कि दलित उनके साथ नहीं था, और यही वजह है कि अब भाजपा ने कहा कि घर घर दलित, भाजपा के लोग जो है दलितों के घर घर जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि दलित पार्टी के साथ नहीं रहा है, दलितों का एक बड़ा वर्ग पार्टी के साथ रहा है और कुछ सेक्शन ऐसे रहे हैं दलितों के जिनको संविधान और आरक्षण के नाम पे भ्रमित किया गया, और इस भ्रम के कारण दलितों में कुछ विचलन हुआ है। लेकिन हम लोग गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर के दलितों से संवाद करेंगे और उन्हें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जातियों के लिए क्या क्या किया है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि भाजपा बताएगी अनुसूचित जाति के लिए क्या क्या किया, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते रहे कि समाज का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उसके बावजूद भी कहाँ चूक रह गए, जैसे आपने कहा भ्रमित किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने खासकर से उत्तर प्रदेश के दलितों के पक्ष में जो डिसीजन लिए हैं वो हिस्टोरिकल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान किया, उनके चित्र को सभी सरकारी कार्यालयों में लगवाया, इसके अलावा एक बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ऐशबाग में। जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके लिए व्यवस्था की गई कि ज़मीनें, सरकारी ज़मीनें दे करके उनके आवास आवंटित किए जाएंगे। तमाम लोगों को आप देख रहे हैं कि मुफ्त में राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। तमाम हमारी विभिन्न योजनाएं चल रहे हैं जिससे कि दलितों का स्वरोजगारीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार से अनुसूचित जातियों के लिए हमारी सरकार समर्पित है, लेकिन विपक्ष ने संविधान का डर दिखा करके उनको भ्रमित किया है, जो कि भ्रम दूर कर दिया जाएगा। जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, बड़ा उत्साहित है और कह रहे हैं, उनके पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि 2027 में अब उनका मुकाबला किसी से नहीं है, 2027 में यूपी में पीडीए यानी पीडीए जो दे रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनका मानना है कि ये सारा वर्ग उनके साथ है और 2027 में उनकी सरकार बनेगी। देखिए, 2024 का जो ये पार्लियामेंट का चुनाव था, जो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो डिसीजन आए वो एक्सीडेंटल डिसीजन थे, लोगों को छल से भ्रमित करके ये डिसीजन आया है। और 2027 के आम चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, दलित पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और हमारी बहुमत की सरकार बनेगी 2027 में। ठीक है, आप डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं भाजपा एमएलसी, जिनका साफ कहना है जो जो पीडीए की बात कर रहे थे वो भ्रमित किया गया और जिस तरह सीटें आई हैं वो एक्सीडेंटल, महज एक्सीडेंटल हैं, और 2027 का चुनाव होगा उसमें फिर एक बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रही बात दलितों का थोड़ा सा इधर उधर, उनको भ्रमित किया गया है, जिसको घर घर जाकर भाजपा के नेता उनको दूर करें, उनको बताएंगे कि भाजपा नहीं, भाजपा ही वो ऐसी पार्टी है जिसका सरकारी योजनाओं है, चाहे जैसी योजना हो, समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति का जो लाभ मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में मिला है।
वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। मुंबई में बारिश पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी सड़कों पर यातायात फिर से शुरू हो गया है। बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी शहर के सभी जल भराव वाले स्थानों पर मौजूद हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ बीएमसी अलर्ट पर है। शिंदे ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पूर्वी और पश्चिमी राजमार्गों और सभी रेलवे लाइनों पर यातायात चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें राज्य के तीनों तटीय जिलों में पहुंच चुकी है। सेना, नौसेना और वायुसेना भी अभी अलर्ट पर है। संयुक्त अधिवक्ता कार्यवाही के सदस्यों ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस बीच एमडीएम के सांसद दरई वाइको ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन आपराधिक कानूनों में बदलाव किए हैं, लेकिन यह विपक्षी दलों की मंजूरी के बिना किया गया है। उन्होंने विपक्षी दल के लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था और फिर उन्होंने ये तीन कानून पारित किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह का कृत्य अलोकतांत्रिक है और उन्होंने आगे कहा कि इन कानूनों के कार्यान्वयन के विरोध में लगभग 1000 वकील इकट्ठे हुए हैं और संवैधानिक न्यायाधीशों ने भी इन नए कानूनों के लागू होने पर निराशा व्यक्त किया है। The central government has brought changes to the three criminal laws. There is the IPC Indian Penal Code, CRPC Code of Criminal Procedure and the Indian Evidence Act IEA. Last year 2023 they had got this new changes to the three existing criminal laws in parliament, but that was done without the approval of the opposition parties. They had suspended nearly around 150 parliamentarians belonging to the opposition party, and then they had passed over these three laws. This is anti-democratic. And whatever they have changed the names of the laws, it is in a language, Sanskritized Hindi or whatever, which most of the people in Tamil Nadu, I wouldn't say 99% of the people in Tamil Nadu would not understand the names of these laws. Not only in Tamil Nadu, the southern states, the northeastern states, most of the people they don't know the language of Hindi, and the very names of these laws, people cannot understand. And another thing which I would like to tell is the new changes which have been brought into these three laws are anti-democratic. For example, people and political parties who probably fight for the people, probably if they take a demonstration, if they probably they protest for the public, they could be arrested and they could be handcuffed in public. See, handcuffs is probably, it applies to terrorists and probably hardcore criminals, but applying, putting handcuffs to people who are protesting in a democratic manner, that is totally, it goes against democracy. And they have given more teeth to the police, so what happens is, it is a big deterrent, huge deterrent for people who want to protest in a democratic way. असम के शिवसागर जिले में एक शैक्षिक संस्थान के शिक्षक राजेश बाबू को कक्षा के अंदर उनके ही छात्र ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद स्कूल अधिकारियों द्वारा उन्हें डिब्रूगढ़ के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन चोटों के कारण उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। छात्र ने इतना बड़ा कदम उठाया और इसका अभी तक पता नहीं चल सका है कि इस बीच नए कानून न्याय संहिता उन पर लगे हैं, जो कि 103.78 के तहत इस मामले को दर्ज किया गया है। ही मैथ्स क्लास में लिखा ना सिले सर है तब से बही देखा ही तर उकुल लिखा ही नहीं ही गुरे क्लास तो बहुत दे होल तब से सर खों उठले तब उलिया ही लेता क्लास होगा तब से ही घुसी ही टिफिन में तब से घुसी कर लिया निजे बैग से काको नुक तब से टिफिन टाइम छुट्टी टाइम ही आिले सिविल ड्रेस
তারপর সি আহিলে একদম লাস্ট বেঞ্চখানে বহি আসলে তারপর সারে দেখা পিছ কলে কেলে আছো তারপর সি কে পয়সা চাইসা দিছো যেটা পোহক বলে কলে মানে ধমকি টাইপকে দিছে আর পোহক তেনে খঙত কইছে এ সার উচলে আহতে সি মারিলে শিবসাগৰ চাই বিকাশ নামৰ যিখন হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল তাত এটা খুব মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। সেই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰই নিজৰ একেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এগৰাকীক চুৰি আঘাত কৰিছে। শিক্ষকগৰাকী খুব গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰু এনেকুৱা আচলতে খুব সঘনাই এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকিবলৈ সংঘটিত হৈ আছে। আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিবিলাক তেখেতলোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহে বিদ্যালয়লৈ, তাৰপিছত গাৰ্জেনৰ ৰোল নাথাকে। ধৰক সেই মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়বিলাকত ছাত্ৰজনে কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰি আছে তাৰ লগে লগে সেই ছাত্ৰগৰাকীৰ যিটো চাইকলজিকেল যিটো চিন্তাধাৰা তেখেতৰ কিবা বিভিন্ন অতিৰিক্ত কিছুমান বুজাও থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে হয়তো এনেকুৱা প্ৰেছাৰ থাকিব পাৰে। বা তাৰ লগে লগে আমি ঘৰত কি ধৰণৰ পৰিৱেশত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, ঘৰৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ, তাৰ লগে লগে বিদ্যালয়লৈ আহিলে, মহাবিদ্যালয়লৈ আহিলে সেই মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয় পৰিৱেশ, সকলো কথা ইয়াত কিন্তু জড়িত হৈ আছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আহিবলগীয়া দিনবিলাকত এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহয়। আৰু তাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে সংযম হ'ব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো সংযম হ'ব লাগিব, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ এটা গুৰুত্বৰ এটা ৰোল আছে, আমি ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰিব লাগে। আৰু তাৰ লগে লগে এই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বিলাকত আমি পূৰ্বৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে চাইকলজিকেল কিছুমান কাউন্সিলিং আমাৰ চেণ্টাৰ থাকিব লাগে, তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাইকলজিকেল কিছুমান প্ৰেছাৰ থাকিব পাৰে, সেইসকল যাতে আমি ভালকৈ বুজি তেখেতলোকক কাউন্সিলিং কৰিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ যাতে আমি সৃষ্টি কৰিব লাগে। আৰু উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত এনেকুৱা ঘটনা হ'লে আচলতে আমাৰ সকলোৱে আমাৰ এটা প্ৰভাৱ পৰে। 17 চনত তেওঁলোকক হস্তান্তৰ কৰোঁ কিবা কোনোবা তেওঁলোকে খেলা, তেওঁলোকৰ লগত মই ইনডাইৰেক্টলি জড়িত হৈ আছিলোঁ। এই স্কুলখনৰ কিবা অনুষ্ঠান পাতিলে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰে, সন্মান জনাই দুআষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক। কিভাবে ঘটনাটো ঘটনাটোত আমি শুনি পোৱা ঘটনাটো মই শুনি পোৱা ল'ৰাটো উদণ্ড ল'ৰা, তাক ৰেগুলাৰ কাৰণে কিবাকিবি ক্লাছতো আন মাইণ্ডফুল আছিলে, সেইকাৰণে অলপ তাক দুআষাৰ ক'লে তই নাহিবি এনেকুৱা ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিলে বুলি শুনিছোঁ। ক্লাছে ওলাই গৈ পেলাই পাছত ইউনিফৰ্ম চিউনিফৰ্ম সলাই জেগা লৈ আহি পেলাই উপজি পৰি হেৰি কৰি মাৰি তাতে স্পটেই ডেট হৈছে নেকি নাই। ল'ৰাটো মানে হ'ল কি, মই যেতিয়া ল'ৰাটোক আহি দেখা পাওঁ, ল'ৰাটো আমাৰ এই স্কুলখনৰে তলৰ এটাৰ এই ক্লাছৰুমত মানে বেঞ্চত মানে বহি আছে, আৰু মানে এনেকুৱাকৈ বহি আছে যেন কোনো মানে হেৰি নাই, যে কি যে ডাঙৰ এটা ক্ৰাইম যে কৰিলে, এটা যে আপোনাৰ ঘটনা এটা কৰিলে, এজন শিক্ষক যে তেওঁ প্ৰহৃত কৰিলে, সেইটোৰ প্ৰতি তাৰ কোনো মানে নিৰ্বিকাৰভাৱে বহি আছে। আৰু আমি তাৰ আচৰণটো দেখি পিনি সুধিলোঁ, তুমি কিয় কাম এইটো কাম তুমি কৰিলা, কেলে কৰিলা তুমি এইটো কাম, তেতিয়া ক'লে যে মোক মানে মিছবিহেভ কৰিছিলে, মিছবিহেভ কৰাৰ কাৰণে মানে মোক মিছবিহেভ কৰিলে বুলি এজন মানুহক কেনেকৈ মাৰি দিব নোৱাৰি, তাতে এজন শিক্ষাগুৰু হয়, সেই শিক্ষাগুৰুজনক তুমি কিয় এনেকৈ কৰিলা, আৰু লগতে আৰু কোনো আৰু লগতে আৰু দুয়োগৰাকী আছিলে, সেই দুগৰাকীও তেতিয়া কৈছে যে তুমিটো এইটো কাম কৰিব নালাগে, তুমি তুমি যে ভুল কৰিলা, তুমি ভাবা নাই মই ভুল কৰিলোঁ বোলে ভুল কৰিলোঁ। ঘটনাৰ সময়টো ঠিক কয় এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই, ঘটনাটো কিমান টিচাৰ কোনো নাছিলে, সেইটো যে ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া গম পালে তেতিয়া বাকী শিক্ষকসকল আহিছে, কাৰণটো কি কাৰণে কৰিব পাৰে ল'ৰাটোৱে, কাৰণটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু কিবা হয়তো মানসিক কিবা চাপতো থাকিব পাৰে, কিন্তু এইটো আমি পিছত তদন্ত ভালকে তাক উদ্বোধ কৰিব পৰা নাই। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।